अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में मोहम्मद इकबाल आपको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, आपके तमाम परिंदे ठीक होंगे और दोस्तों आपके तमाम बहन भाई ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, अभी डाला है कबूतरों को दाना डेली रूटीन के मुताबिक। तो मैं आपको दिखाता हूँ कबूतरों का अभी दाना डाला है बाजरा धुलाई करके और ये किस तरह के बाजरा खा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का मकसद आप तमाम दोस्तों को मालूम देना। तो अभी ये कुछ इसमें ब्रीडर कबूतर हैं, कुछ कबूतर बयाने के बच्चे हैं, अभी जो ज़ीरो कली के बच्चे निकले हुए हैं। तो इन बच्चों को भी आज बाहर सेन में खोला हुआ है और बड़े शौक़ से ये भी बच्चे बाजरा खा रहे हैं। ये अभी बिल्कुल ज़ीरो कली का बच्चा है, तो आज घोंसले से निकला है, इसका आज फर्स्ट डे बाहर निकाला हुआ है। आगे जो छोटे से बच्चे हैं वो उस जाल में बंद हैं और उसमें कुछ वन कली के बच्चे हैं और कुछ टू कली के, कुछ ज़ीरो कली के। तो इन जाल से इनको मैं खोलता नहीं हूँ क्योंकि अभी जो है ना बाज का सीज़न चल रहा है, तो बाज जो है ना बच्चों को मार रहा है बहुत बेदर्दी से, इस वजह से इन बच्चों को मैं बाहर नहीं निकालता। जैसे ही बाज का सीज़न ख़त्म होगा इंशाल्लाह तब के उसके बाद फिर जो है ना दोस्तों इनको मैं जाल से निकालूँगा। इसमें सारे के सारे जो बच्चे हैं मेरे, उन सारों के मैंने पर जो ना ये बक्सुए के साथ बांध लिए। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ साथ रहना है, जो बच्चे मैंने रेडी किए हैं 2024 यानी कि साल के लिए, तो आपको मैं दीदार कराता हूँ। दोस्तों ये 2024 साल के लिए रेडी किए हैं बच्चे, यानी के सारे परवाजी बच्चे हैं। इसमें से कुछ क्रास में हैं यानी के डांगी वाले और बुलंदी वाले की क्रास है, और कुछ कबूतर हैं जो पेवर डांगी वाले हैं। तो इधर हमारे इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज में दोस्तों ये बुलंदी वाले कामों पे चलते हैं, इधर सारे के सारे जो परवाजी कबूतर हैं वो डांगी वाले चलते हैं। तो दोस्तों मेरे जो है दोस्त जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें, दोस्तों तक शेयर करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये है मेरे बच्चे, इसमें से चंद कबूतर हैं जो यानी कि बड़े ब्रीडर कबूतर हैं, उनको भी इधर छोड़ा हुआ है जाल में कि वो उनको भी थोड़ी धूप लगे क्योंकि मौसम काफ़ी तब्दील हो गया है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इनको पूरा दिन में इधर धूप पे बंद करता हूँ तो कबूतर के सुस्त ना हो जाए। आगे जो ब्रीडर कबूतर हैं उनको बंद किया हुआ है, आगे इनको छापर लगाया हुआ है, इस वजह से इनको बंद किया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इसमें से कुछ कबूतर हैं मेरे जो ब्रीडर कबूतर हैं और टॉप क्लास की क्वालिटी के कबूतर हैं और बुलंदी वाले हैं, और कुछ कबूतर हैं जो इसमें एक दो मादियाँ हैं जो डांगी वाली है, वो यानी कि पेवर डांगी वाली हैं। तो आप दोस्तों को ये दिखा रहा हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उनसे दोस्तों से गुजारिश है वीडियो देखते देखते मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें, दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो बना आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अपने कबूतरों के खुडे में, जिनको बड़े तरीके के साथ मैंने छापर लगा के किया है बंद, जो बिल्कुल छोटे बच्चे पैदा हुए हैं उनको ठंडी हवाएँ ना लगे, ठंडी हवाएँ लगेंगी तो वो बच्चे मर जाएंगे, इस वजह से बड़ी उनको केयर करनी पड़ती है, इस वजह से उनको मैंने छापर लगाया। अभी इनका दाने का टाइम है तो अभी इनको दाना डाला है ब्रीडर कबूतरों को, कुछ यानी के बच्चे हैं जिनको अभी दाना डाला है। अभी कुछ बच्चे इसमें ज़ीरो कली के हैं, कुछ टू कली के हैं, कुछ वन कली के हैं, और कुछ जो हैं तीसरी चौथी कली के हैं, कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल यानी कि 10 पर गिराए हुए हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने वो जो खुडे मेरे, उनको मैंने किस तरह सेफ्टी के साथ बंद किया हुआ है वो भी आपको साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये खुडे हैं, यानी कि इनको भी बड़ी सेफ्टी के साथ मैंने किया है बंद, छापर लगा के जैसे हवा क्रास ना हो। आगे बच्चे हैं इनके छोटे ब्रीडर कबूतरों के, आगे ये काठे तोते इसमें रखे हुए हैं, तो ये छापर भी काफ़ी यानी कि हवा के साथ थोड़ा उखड़ गया है। तो मेरी कोशिश होती है दोस्तों आप दोस्तों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। और ये खुडा जो है ना दोस्तों ये बहुत केयरफुल लगा हुआ है, यानी कि जिस तरह हवा नहीं लगती, बच्चे जो हैं ये सेफ्टी में है। तो आगे छापर मैंने लगाया हुआ है मजबूती के साथ इनको, जो हवा शवा ना लगे बच्चों को। आगे ब्रीडर कबूतर अभी दाना कुछ दाना खा रहे हैं, कुछ आगे ये सेन में फिर रहे हैं, ये मट्टी खा रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर करें
तब तक दें मोहम्मद इकबाल को इजाज़त। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह निगहबान, दुआ में याद रखना।